नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कई तथ्यहीन बातें कहीं। उन्होंने इस वैश्विक मंच पर भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को ही आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारत ने यूएनजीए में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने का फैसला किया और राइट टू रिप्लाई के तहत इमरान खान द्वारा बोले गए झूठ का पर्दाफाश किया। भारत की तरफ से प्रथम विदेश सचिव विदिशा मैत्रा ने पाकिस्तान के झूठ को एक एक करके बेनकाब कर दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने यूएन के मंच का दुरुपयोग किया है और गुमराह करने की कोशिश की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण के जवाब में भारत ने कहा, पाकिस्तान ने खुलेआम आतंकी ओसामा बिन लादेन का बचाव किया था। मानवाधिकार की बात करने वाले पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालात देखने चाहिए, जिनकी संख्या 23% से अब 3% पर पहुंच गई है। पाकिस्तान को इतिहास नहीं भूलना चाहिए और याद रखना चाहिए कि 1971 में उन्होंने अपने लोगों के साथ क्या किया था। भारत ने कहा कि जेंटलमैन गेम खेलने वाले इमरान खान का भाषण पूरी तरह से जहरीला था। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल करते हुए कई झूठ बोले। इमरान खान ने अपने भाषण में न सिर्फ इस्लामिक कार्ड खेला बल्कि उन्होंने परमाणु युद्ध की धमकी तक दे दी। साथ ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में 55 दिनों से कर्फ्यू की स्थिति है, जबकि हकीकत यह है कि अब सूबे में जनजीवन सामान्य हो चुका है। इमरान खान अपने पूरे भाषण के दौरान भारत के खिलाफ ही रोना रोते रहे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान एक बार भी पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।